नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आज पत्रिका टीवी पर हमारे साथ हैं राजस्थान और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले थार के मरुस्थल यानी बाड़मेर की तस्वीर बदलने वाले वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। पत्रिका टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में नई सरकार के साथ आपकी बिजनेस प्लानिंग में कोई नई हम तस्वीर देखेंगे, कुछ नई योजनाएं, कुछ नई प्लानिंग आपकी? राजस्थान तो एक ऐसी जगह है कि जितने आप काम करते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। ये सारी सरकारों पर डिपेंड है कितना चाहती हैं, क्योंकि इतनी राजस्थान जो एक स्पेशल जगह है दुनिया में, एक स्पेशल जगह कोई है तो मैं उसको राजस्थान को मानता हूँ। आप, मैं छोटी सी आपको बात बोलता हूँ, मैं इतिहास देख रहा था, 600 साल मुगलों ने राज किया, 500 साल पूरे राजकाल में बाप ने बेटे को मारा, भाई ने भाई को मारा, दुनिया भर के कत्लेआम हुए, लेकिन एक चीज हरदम चली कि मुगलों ने 100% राजस्थानियों पर भरोसा किया। उनके जितने पैसे थे, बैंकिंग थे, कारोबार थे, विश्वास था, वो राजस्थानियों का था। उसके बाद अंग्रेज आए जी। अंग्रेज भी 150 साल रहे। अंग्रेजों ने जाते समय और कारोबार करते समय सबसे ज्यादा भरोसा उन्होंने राजस्थानियों पर किया। उनके जितने चाय बागान थे, उनके जितने जूट मिलें थी, उनके जितने कारोबार थे, वो राजस्थानियों को देखे गए। तो एक राजस्थान में एक विश्वास, एक अलग ही कल्चर है जी। एक अगर अलग कल्चर है, एक ये अलग जगह है। हम लोग झंझटिया नहीं है, हम लोग झंझटिया नहीं है, जैसे वातावरण होता है उसी में निभ जाते हैं जी, जी। कोई ना कोई रास्ता निकाल के उसी में चलते रहते हैं। तो ये हमारी ये बहुत बड़ी देन है जी। क्योंकि आप देखते होंगे, मेरे को बहुत गर्व होता है। मैं हरदम बोलता हूँ कि जैसे हम लोग आलसी नहीं, क्योंकि हम लोग को पानी भी 10 किलोमीटर से लाना पड़ता था। तो हम हरदम हर चीज को बहुत पॉजिटिव हिसाब से देखते हैं। सास बहु को सास तंग भी करती है तो उसको बुरा नहीं मानती है जी। वो उसको पार्ट ऑफ द लाइफ मानती है। तो ये हमारे राजस्थान में ही है जी। तो हमारे हमारी जो मैं राजस्थान में इंडिया में आया था, मैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की डेलीगेशन में आया हूँ, वो चीफ गेस्ट हैं गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पर। तो सौभाग्य से राजस्थान आने का मौका मिला, जयपुर आने का मौका मिला, नए चीफ मिनिस्टर आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे, उनको बधाई देने गया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी में हैं, हम जल्दी से जल्दी राजस्थान के लिए काम को आगे करना चाहते हैं, हम 90 दिन में कुछ न कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जिसे जनता को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। और हमारी दो बहुत बड़ी बात है कि रोजगार देना और इनकम बढ़ाना और राजस्व भी हमारा बढ़े। तो हमने कहा हम कुछ भी कर सकें, हमने दिलो जान से 1,40,000 करोड़ रुपया राजस्थान में लगाया, तेल का उत्पादन किया, 30% तेल बनाते हैं, बहुत गर्व होता है, वो भी $6 में, 8-7 डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं, सारा राजस्व गवर्नमेंट को ही आता है। जिंक में जो कि एक मार्जिनल पर चलने वाली कंपनी थी, उसको आगे लाके लेके आए, और ये सारा काम राजस्थान के लोगों से ही हुआ है। और लोग कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बाहर से लोग नहीं लाया जी। इन्हीं लोगों को गले लगाया, इनको उत्साह दिया, और यहाँ के लोग तो जीने जान मरने के लिए तैयार हैं। आप देखें मुगल भी जो थे वो सारे के सारे उनके जो मानसिंह थे उन पर ही विश्वास करते थे, अपने बच्चों को उन्होंने संभला देते थे। तो ये राजस्थानियों का एक है। तो हमने देखा दोनों कंपनियां हमारे यहाँ के लोगों से बहुत आगे आई। मैंने उनको कहा है कि राजस्थान में बहुत इतना बिलो द ग्राउंड अबव द ग्राउंड से आप रोजी रोटी कर सकते हैं, दो वक्त की रोटी मिल सकती है, कुछ कपड़ा मिल सकता है, उसके बियॉन्ड अगर आप जाना चाहते हैं कि मकान बने, शिक्षा बने, हमारे यहाँ खुशहालता आए, तो धरती माँ को नमस्कार, उसके आपको नीचे जाना पड़ेगा।
उसको बाहर से इंपोर्ट नहीं करें, तेल, कोल, ऑयल, सोना, हर चीज जो है हमारे पास अवेलेबल है, और इसको हम सस्टेनेबल मैनर में, एनवायरनमेंट का हम बहुत आगे से आगे ध्यान रखें, और सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ये हमारे हिसाब से राजस्थान में अवेलेबल है। उन्होंने मेरे से कहा है कि आप इसको हमको मॉपिंग करके, आज क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ड्रोन, जियोफिजिक्स और सैटेलाइट, एरियल सर्वे से आप पता कर सकते हैं। तो मैं जी जान से लग के उनके साथ काम करूंगा, उनको बताऊंगा कि आपके पास ये धन है, हमारे पास स्टोन इतना अच्छा है, 5% भी स्टोन एक्सप्लोर नहीं हुआ है राजस्थान में। सर, मैंने सुना है कि आप राजस्थान को अजायब घर कहते हैं अक्सर अपनी बातचीत में। अजायब घर नहीं है, तो अजायब घर तो मेरे हिसाब से अजायब छोटा मोटा बात है, इससे बड़ी चीज है। राजस्थान जो है एक एंटरप्रेन्योर लोगों की जगह है। जब मुगलों ने विश्वास किया, आपके अंग्रेजों ने विश्वास किया, सारा काम सेल्फ सर्टिफिकेशन पे होना चाहिए, कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है जी। वो अगर सर्टिफाई करते हैं तो राजस्थानी भी आप विश्वास करें, वो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे, अगर वो करेंगे तो काम बहुत आगे बढ़ेगा। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई डिमांड है तो राजस्थान के पत्थरों की है, सारी दुनिया में जो मकान बनते हैं, लेकिन सप्लाई नहीं है, प्रोसेस नहीं है। अगर इसको आप एंटरप्रेन्योर के हाथ में देंगे तो ये लोग पैसा भी लगाएंगे, फिनिश करके माल को भेजेंगे, सिंपल तरीके से 3 महीने के अंदर में ये टेंडर निकले, गवर्नेंस पूरी मेंटेन हो, और जो भी बढ़िया से बढ़िया बिट करे उनको दिया जाए, मेरे हिसाब से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है जी। तो सिर्फ राजस्थान में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं? अगर ये सारी खदानें खुली तो, अगर ये खुली और इसमें किसी तरह का कोई अगर रिस्ट्रिक्शन, विश्वास एक ही काम है कि जितना आप विश्वास अपने ऑफिसर पे करते हो उससे ज्यादा विश्वास एंटरप्रेन्योर और व्यापारियों पे आप करो। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये भरोसा जताया है आप पर? वो तो अपने आदमी है, वो तो मैंने तो उनको देखा, बिना पावर भी देखा कोई फर्क ही नहीं लगा। मैंने वो ऐसा गांधीवाद का नमूना है कि वो ही मफलर ओढ़े वैसा ही था, कहीं लोगों में तो कुर्सी पे बैठने के बाद पर्सनालिटी बदल जाती है, वो तो वैसे वैसे हैं, वो ही देश सेवा में लगे हैं, उसी काम में लगे हैं। लेकिन ये है कि इस बार मेरे को लगा कि थोड़े से ही इज इन बिटवीन हरी, वो किसी का अभी वो पहले जैसे, अब मेरे को लगता है कि वो अफसरों पे डिपेंड नहीं रह के खुद इनिशिएटिव लेंगे और हर काम को इमीडिएट डिसीजन हो ऐसा देखेंगे। तो राजस्थान की सरकार अब आप तुलनात्मक रूप से रफ्तार में देखेंगे? मैं उस पॉलिटिकल बात में नहीं जा सकता, मैं मेरा थोड़ी देर का जो भी इंटरेक्शन हुआ उनकी पर्सनालिटी से लगा कि इंपेशेंट है, कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है जी। तो इस कुछ कर गुजरने की प्रक्रिया में हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये भी, एक आप दोनों के बीच में बात हुई है कि राजस्थान में खनिज की दुनिया में क्या कुछ है, इसका थोड़ा सर्वे किया जाए, पता लगाया जाए और जल्दी से जल्दी किस दिशा में काम हो सकता है, इस पर उन्होंने कुछ आपसे रिपोर्ट जी। हमने कहा है कि जो भी हम साथ में कर सकेंगे जल्दी जल्दी हमारे अधिकारी दोनों सब मिलेंगे, उनको रिपोर्ट हम दे सके, काम आगे बढ़ेगा, उनके पास भी क्षमता है, हम भी कुछ भी मदद कर सकें सबको। आज पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान, इंक्लूडिंग हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, सबको ये विदित हो गया है कि सबसे बड़ा काम आज हिंदुस्तान में एक है कि हमारे जो खेतीहर लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको सुरक्षा देना, और उनको सुरक्षा देने में बहुत बड़ी पैसे की सब्सिडी चाहिए, और वो पैसे की सब्सिडी उसी धरती माता के नीचे से आएगी, वो हमको निकाल के लेके आना है। लेकिन पिछले दिनों एक तरफ ये बातें हुई कि आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी से जोड़कर देखा जाने लगा, और दूसरी तरफ आपको उसी सरकार के रहते हुए जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसी जो परेशानियां आती हैं वो व्यापार को प्रभावित करती है, तो मोराल डाउन होता है, और खास करके तब आप जब आप विदेश में बैठे हैं
आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? हम लोग तो व्यापार करने वाले हैं और मेरे लिए तो जो भी कुर्सी पर बैठा है वो ईश्वर तुल्य है। हम उसको जैसे भी हो उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी हो जाएगा हम उसे झगड़ा नहीं करेंगे। जी, देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो लोग हैं उनकी श्रेणी में पहली कतार में खड़े होने वाले अनिल अग्रवाल साहब राजस्थान की जड़ों से जुड़े रहने चाहते हैं। राजस्थान की जड़ों से जुड़े रहने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए पत्रिका टीवी पर। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर की ओर से 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सहकारी क्षेत्र के पशुपालकों के दुग्ध खरीद मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान राशि समर्थन मूल्य की घोषणा का अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं प्रदेश के सहकारी क्षेत्र के पशुपालकों द्वारा हार्दिक आभार। निवेदक रामचंद्र चौधरी, गुलाब भाटिया। पत्रिका टीवी पर आज हमारे साथ वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल हैं, लंदन में रहते हैं, राजस्थान के रींगस से जड़े जुड़ी हैं, पटना से होते हुए दिल्ली के रास्ते पूरे देश और दुनिया की यात्रा की और अब वापस अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जड़ों से जुड़े रहने के साथ साथ एक तरफ आपने व्यापार की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अनिल अग्रवाल साहब, कहते हैं जब भी हम सुनते हैं आपके बारे में, आपके इंटरव्यूज को सुनते हैं, जब आपने शुरुआत की थी तो 8 बार विफलता हासिल हुई थी, ये सही है? 8 या 9 बार हुई होगी तो ये तो अच्छा है, तो विफलता होती है तो और आदमी मजबूत हो जाता है। वो थोड़ा बताएंगे जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि आज जिस नए भारत की कल्पना और जिस नए भारत की लगातार बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है, वो आपको सुने तो कैसे जाने कि उनका रास्ता सही दिशा में जा रहा है? नहीं, हिंदुस्तान की जो यूथ है आज मेरे हिसाब से सबसे अच्छी यूथ है, क्योंकि हमारे टाइम में तो बहुत ही तकलीफें थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो डेफिनेटली आदमियों से ज़्यादा तेज हैं, उनसे ज़्यादा प्रेशर ले सकती हैं, उनको भी कंधा से कंधा मिला के आगे आना चाहिए। मेहनत करना, फोकस करना, ईश्वर ने कुछ न कुछ आपको एक शक्ति तो दी है। आगे बढ़ते हैं, जो जिस बात का जिक्र आपने किया कि मुख्यमंत्री जो है वो इस बार जल्दी में है, रिफाइनरी की बारे में चर्चा हुई आपसे? हाँ, इन्होंने बीज बोया था, रिफाइनरी को बहुत आगे बढ़ाएंगे। उनकी बहुत इच्छा थी कि वेदांता भी योगदान दे। हमने कहा हमारे बोर्ड का मामला है, हमारे माथुर साहब साथ में थे तो, लेकिन वो रिफाइनरी मैं मेरे हिसाब से तेजी आएगी। जी, तो रिफाइनरी की सर राजस्थान में बीच बीच में जो दो तरह के विचार आए, वसुंधरा सरकार के वक्त पूरी तरह से ये काम रुक गया, क्या वाकई में पॉसिबिलिटीज कम है तुलनात्मक रूप से राजस्थान में रिफाइनरी की? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बाड़मेर में रिफाइनरी आनी चाहिए। और ये है कि पब्लिक सेक्टर आउटडेटेड हो गया है, उसी में मेरे को जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं बहुत सक्षम हैं, लेकिन अब हम लोग जैसे मैंने बताया वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकारें बिजनेस नहीं चलाती हैं, अमेरिका में, यूरोप में, एक हिंदुस्तानी एक ऐसे जहाँ कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ गवर्नमेंट बिजनेस चलाती है। तो हिंदुस्तान में आज भी हमारी बैकबोन पब्लिक सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर में 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसकी मार्केट की वैल्यू जो है 10-10 गुना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आज हमारे ब्यूरोक्रेट भी बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका काम नहीं है कंपनियों को संभालना, वो जिसका काम है उसको ही करना चाहिए। तो इसको अगर इंडिपेंडेंट कर दें, आगे आने वाले दिनों में भी अगर गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट नहीं करके अगर कोई ना कोई नया मॉडल बनाए जैसे में कि गवर्नमेंट बाउंड्री पे ही रहे,
उनका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, गवर्नेंस लेके आना, बाकी काम, क्योंकि अगर वो खुद करेंगे तो डिफेंसिव हो जाएंगे, वो अपनी गलती खुद ही छुपाने लगेंगे जी। लेकिन अगर वो बाउंड्री पे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि गवर्नमेंट खुद ड्राइव नहीं करके उसमें कोई कोई नया मॉडल लावे जो कि इंडिपेंडेंट हो जावे, क्योंकि हमारे ऑफिसर लोग डर जाते हैं जब CAG और डिफरेंट तरह के ऑडिट्स आते हैं, CBI कुछ पीछे लग जाती है, तो वो उनकी ग्रोथ और जो उनकी मानसिकता है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत स्पेस दी, बहुत मौका दिया, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने निवेश के लिए आमंत्रित किया, उसके बाद भी आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं अभी भी कम है पब्लिक सेक्टर की तुलना में? पब्लिक सेक्टर आज भी 80% बिजनेस है, आज भी हम लोगों को लगता नहीं है, लेकिन हमारी बैकबोन जो है वो सारी पब्लिक सेक्टर ही है, बैंकें सारी पब्लिक सेक्टर में ही है, और इतना बढ़िया क्लाइंटल बेस है, और हमारे यहाँ आज पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के लोग ही लीडर हैं, सारी टेक कंपनियां हैं, उनके CEO जो हैं, एक एक कंपनियां हैं जो कि एक एक ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, जो कि दो गुना बड़ी हिंदुस्तान से हैं, उसके CEO हिंदुस्तानी हैं, जितने भी फाइनेंस कंपनी हैं उसके जो CFO है वो सारे हिंदुस्तानी हैं, और उनके शेयर के प्राइस बहुत अच्छे जाते हैं जब उनको मालूम पड़ता है एक हिंदुस्तानी जो है उसका CFO है। इस बाय एंड लार्ज हमारे हिंदुस्तानी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत गॉड फियरिंग है। तो अभी भी जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट की कंपनियों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, वो दुनिया बदल देगा। इस दिशा में भी आपकी बात हुई है मुख्यमंत्री से? हम तो बात ही कर सकते हैं, लेकिन मैं अवेयरनेस लेकर आया हूँ 2-3 महीने से, तो उसकी चर्चा भी हुई है, नीति आयोग भी बात कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हिंदुस्तान में। लेकिन पांच साल प्रधानमंत्री को होने जा रहे हैं, तो ऐसे में टाइम कितना लगता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का पेशेंस खत्म होता है, कम होता है? हाँ, ये जो उन्होंने काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो सराहनीय योग्य है। पहले जो बैंकों से पैसा लेके लोग गबन करते थे इंडस्ट्री बनाने के नाम में और कोई नाम में, हमारे गरीब लोगों की डिपॉजिट्स हैं उनको निकाल करके आप पैसे वापस नहीं देना बैंकों को, वो बंद हो गया, ये मोदी जी की वजह से हुआ। उन्होंने इंसॉल्वेंसी लॉ लेके आए हैं, उससे कोई भी पैसा बैंकों का गवर्न नहीं कर सकता है। GST का भी जो काम हुआ है, थोड़ी उसमें तकलीफें हुई हैं क्योंकि एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में व्यापारियों को बहुत कंफर्ट होगा, क्योंकि 10 डिपार्टमेंट से जाना नहीं पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है, जितना ही इंटरफेरेंस कम होगा उतना अच्छा होगा। तो आप मानते हैं कि नोटबंदी और GST दोनों ही अच्छा रहा देश के लिए? नोटबंदी के बारे में बहुत डिफरेंट विचार हैं, आदमी 10 काम करता है उसमें 2 गलतियां भी होती होंगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 2 काम तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हुए हैं। कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला 12 राजस्थान की ओर से समस्त नागरिक गणों को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। Get the best of DTH channels and internet content on your TV. Presenting Airtel Internet TV. आपने लंदन में रहने का फैसला क्यों किया? ये मैं सिर्फ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को ये विश्वास था कि मेरे को 1.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में लगाने हैं, और हिंदुस्तान से पैसा मैं नहीं उठा सकता, यहाँ क्षमता नहीं है, तो मैंने यही विचार किया कि वहीं कंपनी खोल के और वहाँ पे हम बहुत अच्छी बोर्ड बनाएं, लोगों को बताएं। उस कंपनी में हमने 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उगाए, जो कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है, और वो 90% पैसा हम हिंदुस्तान लेके आए। अगर मैं वहाँ नहीं बैठता तो वो पैसा यहाँ नहीं आता। अनिल अग्रवाल जी, भारत में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी बात को लेकर होती है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं कि ग्लोबली, वैश्विक रूप से भारत की तस्वीर पिछले 5 सालों में बहुत बदली है, आप वहां बैठकर ये महसूस करते हैं? पहले भी अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी हुई है। मोदी जी आइकॉनिक हैं, जितना
क्राइम पुलर वो करते हैं, लोगों को विश्वास है, और स्पेशली हमारे भारतीय लोग तो बाहर में वो जाते हैं तो पागल हो जाते हैं हम लोग, तो डेफिनेटली छवि बदली है, लोग बदले आज, और दुनिया में लोग जाएंगे कहाँ? आप देखिए वर्ल्ड में 6 बिलियन 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसके अंदर 1.5 बिलियन अफ्रीका में है, 1.5 बिलियन चाइना में है, और 2 बिलियन हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान में आप नेपाल को भी लेना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी लेना पड़ेगा, श्रीलंका को भी लेना पड़ेगा, पाकिस्तान, तो बाकी बचा कितना जी? और चाइना में इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, अफ्रीका में अपने खुद के चैलेंज हैं, तो हिंदुस्तान से बढ़िया जगह तो कुछ है नहीं। खाली जो प्रोसेस है उनको जितना कट करते जाते हैं, आज जैसे हम माइन भी खोलते हैं तो एक माइन को खोलते खोलते 1.5 साल लग जाता है वो पेपर में, ये फॉरेस्ट क्लियरेंस, फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये जो रिफॉर्मेशन में उसको, अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो मेरे को रिफॉर्मेशन लगता है इमिग्रेशन का जी। हम लोग पहले आते थे विलायत से तो 1.5-2 घंटा लाइन में लगते थे, दुनिया भर के फॉर्म हम लोग को भरने पड़ते थे, उसके बाद किसी तरह भी हम इमिग्रेशन से क्लियर कराते थे। आज के दिन कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। हमारे हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस अगर कहीं दुनिया में है तो वो हिंदुस्तान में है जी। तो वैसा क्या वैसा हमें चाहिए, इंडस्ट्री भी लगाएं तो सारे ये बीच के जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो सेल्फ सर्टिफिकेशन करें और उसको निकालें। जो काम 150 साल में होना, जो 150 साल में होता है उसको 2 महीने में 1 महीने में करके खत्म करें। यहाँ पर एक और अहम बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली और उसके बाद पहला गणतंत्र दिवस आया था तो ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति आए, अब दक्षिण अफ्रीका के शासनाध्यक्ष, और हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात, आप उस शिष्टमंडल का हिस्सा है। कितना अहम होता है जब गणतंत्र दिवस में समारोह में विशेष मेहमान आते हैं और आप उसका हिस्सा बनते हैं, कितना पॉलिसी में, डिस्कशन में, चर्चा में ये सारी बातें मैटर करती हैं, कितना कंसिडर किया जाता है स्टेक होल्डर्स को, कितना सुना जाता है? नहीं, हम लोग कुछ डिफरेंट हैं। हम लोग जैसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को लेके आए, पहले नेल्सन मंडेला को भी लेके आए थे, क्योंकि हमारा साउथ अफ्रीका के साथ एक दूसरा संबंध है। हमारे गांधी जी ने वहीं से चालू किया था। हम जब मोदी जी के साथ गए थे तो वो डरबन से आगे उस जगह गए जहां गांधी जी रहते थे, उस कमरे में बोले मैं एकांत में बैठूंगा, क्योंकि इंस्पिरेशन उनको एक फीलिंग हो रही थी। तो उनके पास बहुत सारे लोगों को बुला सकते थे, हर पूरी दुनिया बैठी हुई है कि हम गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बन के आए, लेकिन ऐसा सोचना कि हम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को लेके आए क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं तो, मेरे को भी उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप, मैं तो बोला मैं तो हिंदुस्तान का ही हूँ, हिंदुस्तान का आपको, आपका स्वागत करूंगा, आपका स्वागत करूंगा। बोले नहीं नहीं, हम लोग स्वागत करवाने जा रहे हैं। हमने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ लेकिन जाते जाते मैं उस तरफ चला जाऊंगा, तो ये अच्छा है, ये संतुष्टि होती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उस विषय की तरफ आती हूँ जो आपके दिल के ज्यादा करीब है, और वो है आपका जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो काम हो रहा है, खास करके नंद घर। ये जहन में आपके कैसे आया, ये प्रारूप कैसे बना था, और इस पर काम इतना जो आपने किया है सक्रियता से, उसका क्या कारण है? आप देखिए तो जब देश आजाद हुआ था तो हमारे नेहरू जी की स्कीम थी, उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम बनाया, आंगनवाड़ी बनाई, और लाखों करोड़ रुपए तब से खर्च हो गए, क्योंकि उनका, उनके मन में था हर हालत में एक बच्चा भी बिन, बच्चे ने क्या गुनाह किया है जो उसको खाना नहीं मिले, बच्चे ने क्या गुनाह किया है जो उसकी पढ़ाई नहीं हो, बड़े लोग सोच सकते हैं। तो ये आंगनवाड़ी का पहल हुआ था। ये आंगनवाड़ी बाय एंड लार्ज सक्सेस नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसमें लीकेज हुई, बहुत मेहनत हुई, सारे अफसर लोग भी लगे रहे, डिपार्टमेंट भी लगे रहे, ये 25-30-40 साल से चल रहा है। तो मेरे को हरदम लगा कि इसको सक्षम कैसे बनाया जाए, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि खाना सही मिले, पौष्टिक आहार मिले, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, उससे आप पहले जो छोटा काम करते थे आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं जी। क्योंकि आप लाखों सेंटर को मॉनिटर कर सकते हैं,
ड्रोन की तरीके से आप डिलीवरी करा सकते हैं। आजकल ये मेल सिस्टम हुआ है तो बहुत रीच आगे बढ़ गई है। तो हम तो गवर्नमेंट तो है नहीं, कुछ ना कुछ एक चीज लेके चलनी पड़ेगी। तो मेरे को लगा कि अगर हम देश में इसको लेके चलें कि एक भी बच्चा वो भूखा नहीं रहे, उसको अच्छी पढ़ाई मिले शुरू में, तो उसमें हमने सारा कंप्यूटराइज किया है। तो टीवी से उनके बच्चों की पढ़ाई इतने मन लगा के देखते हैं क्योंकि वो टीवी चलता रहता है। और जो खाना भी आता है वो MTR वालों, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आप भी देखते हैं? हम कभी कभी जाते हैं बट वो चल रहा है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। अभी एक और जरूरी बात मैंने आपकी टीम से सुनी कि आप अक्सर मीटिंग्स में पूछते हैं कि विमेन कितनी परसेंट है, ये सही है? ये तो सारी दुनिया में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो विमेन को रिस्पेक्ट और आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये सब आपकी नजर की बात है। और ये हमने महसूस किया, जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। हम राजस्थान में हम महिलाओं को गांव से लेके आते हैं, वो 15, 16, 17, 18 साल में शादी हो जाती है, उसके 2-3 बच्चे हैं और कम्प्लीटली एक्सप्लॉइटेड, वो उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं। जब उनको हम अपने नंदघर में लेके आते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है, इतना बड़ा घूंघट होता है, कितनी इंटेलिजेंट है, कैसे वो सोचती हैं। हम मुंह खोलते हैं उसके पहले वो समझ जाती हैं। तो वो अपने आप, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर लगाया है, उन्होंने एक पैसा, उन्होंने एक वो बैंक बनाई है, वो बैंक में भी बहुत अच्छे पैसे हो गए हैं, वो अपने दूसरी महिलाओं को पैसे दे रही हैं, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर बनाया है, ब्यूटी पार्लर बनाया है, हर तरह के काम उनको बताते जा रहे हैं। तो वो आगे से आगे बढ़ के करती हैं, इतना उत्साह है और झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है। ये मैंने स्पेशल देखा तो ये लगा कि ये यहाँ पे कुछ मिट्टी में खूबी है कि अगर इनको थोड़ा सा भी, अगर हम थोड़ा सा भी हैंड होल्ड कर देंगे और इनको इंडिपेंडेंटली। अच्छा, हमने ये भी बताया कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, साइकिल देने की, बच्चा पैदा होता है तो उसको 1,000 रुपये मिलता है, लड़की होती है तो 5,000 मिलता है डिपॉजिट, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, तो ये भी हम उनको सारा करा के देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा जो आश्चर्य लगा कि औरतें लड़कियां बहुत सक्षम है, आदमियों को समझाने में टाइम लगता है, इनको समझाने में टाइम नहीं लगता है जी। वो फटफट समझ जाती हैं और फुर्ती भी बहुत है। तो हमें तो मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। मेरे को लग रहा है कि अभी थोड़ा मेरे को कारोबार देखना है, जब कारोबार ठीक चलेगा, हमने अभी बहुत अच्छा, मैं जिस आदमी को चाहता हूँ उसको बहुत चाहता हूँ। मेरे एक आदमी को देख रहा था, वेंकट, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड कंपनी चलाता था, 19 साल से बाहर रह रहा था, उसकी मायने ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है। मैं उसको बोला तू वापस आ जा, हिंदुस्तानी आदमी है, देश का काम कर। तो बहुत मुश्किलों से तैयार हुआ, वो आया है मेरे पास। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे अगर वो काम संभालेंगे तो मैं अपना टाइम ज़्यादा इस तरफ लगाऊंगा। कि मेरी बहुत इच्छा है कि अभी हिंदुस्तान में सारा औरतों को और बच्चों को कवर करने में 1.5 लाख नंद घर चाहिए जी। तो उनको कैसे बना के मेरे को लग रहा है कि ये एक इसका वेव आएगा तो आप देखेंगे, ये टाइम की बात है, आग लग चुकी है जी। तो सारी दुनिया साथ लग जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर आदमी। मेरे को रोकना पड़ेगा कि मैं नहीं ले सकता, हर आदमी इसमें अपना योगदान देना चाहेगा। मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस भी कॉलेज में गया सारे पोस्ट ग्रेजुएट के लड़के लड़कियाँ वो बोल रहे हैं कि मैं 1 साल सबेटल लूँगी, मैं आपके नंदघर में काम करूँगी। मैं को मेरे थोड़ा वरीड होता है कि मेरे पास तैयारी नहीं है कि उनको कहाँ रखूँगा। ये सारा ये हुजूम होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल अग्रवाल जी पत्रिका टीवी से बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। वक्त कम रह जाता है, नहीं तो और भी बहुत सारी बातें आपसे करते, राजस्थान से जुड़ी हुई। तो ये थे अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, आपको बता रहे थे कि कैसे राजस्थान से जुड़ाव है और देश को आगे ले जाने में, आने वाले दिनों में नई पीढ़ी को तैयार करने में किस तरह से बड़ी भूमिका निभाने की योजना बना रहे हैं। खबरों का सिलसिला पत्रिका टीवी पर जारी रहेगा। मुझे डॉक्टर मीना शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।